हेलो, कैसे हैं आप लोग? चाय बनानी है? आज मैं आप लोगों को चाय चाय बनाना सीखूं? चाय आती है आप लोगों को? नहीं आती? सिखाऊंगी धूप बहुत तेज है बाहर, होली आने वाली है। अच्छा, आप लोगों ने होली की तैयारियां कर ली सारी? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, उल्टा पेंट हो रहा है बाहर, पता है आपको? मैं मना कर रही थी, मत करवाओ, खाली का करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं, बाद में दिक्कत होगी। 21 तारीख को होली है, कोई रंग लगा के चला गया, निपट जाना है सारी मेहनत बेकार। एक्चुअली बहुत टाइम से चल रहा है हमारे यहाँ, पता है, बट दिक्कत क्या हो जाती है कि कभी मौसम खराब, कभी फिर से मौसम खराब, और कभी फिर से मौसम खराब, पता नहीं क्या हो रहा है, ग्रह नहीं बन पा रहे थे, अब बने हैं। कल भी मौसम खराब हो गया था, बट आज धूप है अच्छी खासी, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, जब भी मैं अदरक को कूट रही होती हूँ ना, तो अधिकतर इसका रस मेरी आँख में चला जाता है। मुझे बहुत गंदा लगता है, बड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है। शादी अच्छी थी, मज़ा आया, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। पता है आप लोगों को, भैया जो थे जिनकी शादी थी, उनके फ्रेंड्स भी आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी, भाभी लोग थी, बड़ा मज़ा आया कसम से उन लोग के साथ भी, और काफ़ी नए लोगों से परिचय हुआ और खूब इंजॉय किया। शादी में देखा ही आप लोगों ने कैसे गाना बजाते चले गए थे, सब अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मज़ा आया खूब। और वहाँ से भी आए, बट वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, हिमाचल बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे तो टाइमली मिल जाती है, बट ये है ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया, 11:30 हो गया यार, लेट हो गया। वो भी वेट कर रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। जितने लोग उतनी चीनी, कप नहीं स्पून चीनी, ठीक है, उतनी टी स्पून चीनी डालिए आप। चाय पत्ती डालो, स्ट्रांग पीनी है तो ज़्यादा डाल दो, नहीं पीनी तो कम डालो, और दूध डालो, अदरक डालो, लौंग भी कई लोगों को पसंद आती है तो वो डाल दो, और क्या डालते हैं उसमें, एक और चीज़ डालते हैं, तुलसी, तुलसी भी कई लोगों को पसंद आती है, बट ठीक है, कई लोगों को कुछ भी नहीं पसंद आता, कई लोगों को तो चाय नहीं पसंद होती है, होंगे आप में से कई लोग भी ना। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, इतनी चाय पिलाऊंगी, इतनी चाय पिलाऊंगी, इतनी चाय पिलाऊंगी, तो आदत बन जाएगी चाय की। अच्छा, आप लोगों ने शादी के ब्लॉग में मुझे कमेंट किया था कि बारात के बाद, हाँ, जब फेरे का टाइम है शादी में, मेन जयमाल वगैरह में, उसमें मैंने अपना लुक नहीं दिखाया। एक्चुअली सॉरी उस चीज़ के लिए, मैं उस टाइम पर इतना बिजी थी क्योंकि सब फैमिली भी थी साथ में, और एक हाथ से फ़ोन कैरी करना और दूसरे से अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। नहीं, और प्लस जगह भी ऐसी थी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी थी, स्लोप में, ठीक है, तो वहाँ से चल कर आना, वो तो मैंने जैसे तैसे जितना शूट किया बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा, एक तो ठंडा इतना था, ऊपर से गाउन है डाला हुआ था, स्लीवलेस था, ओ माय गॉड, मेरी तो पागल हो पड़ी थी मैं, बड़ा ठंडा था कसम से वहाँ पे, बट मज़ा आया था इस चीज़ के लिए, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट मैंने लिए थे कि मेनली मैं आपको दिखा सकूं। और रश्मि जी, नहीं क्या नाम है उनका, ममता रश्मि, माधवी जी, अंजू, कई लोग के ऐसे कमेंट्स आए हैं आप लोग की तरह कि वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपना गेटअप दिखाऊं दिखाऊं, तो वैसे मैंने अपना कोई वीडियो बनाया नहीं है इसको लेकर, बट यस, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका जो मैंने ड्रेस पहना था शादी में, उसका मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, कैसी लग रही थी मैं दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, होली तक, होली के बाद ही हो पाएगा कुछ, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली होली है ना, आ रही है ना, अभी पापड़ भी बनाओ,
फिर गुजिया भी बनानी है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, पकवान वगैरह, दही वगैरह, दही बड़े वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। आप क्या बनते हैं? चलो मैं आप लोग को दिखाऊंगी हाँ हमारे कैसे बनते हैं। तो बस उस चक्कर में जो है ना दिखाऊंगी बट आपको। चल रेडी दे आती हूँ। अरे भैया चाय ले लीजिए, लेट हो गया आज थोड़ा, चाय ले लीजिए। खोलू? हाँ खोल दो दरवाजा। अच्छा अच्छा एक मिनट। चलिए ठीक है, कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ? भैया को भी बुला लीजिएगा। मौसम देखो दिख रहा है, अभी दिखेगा। दिख रहा है कैसा मौसम हो गया सडनली, ऐसे ही है हमारे यहाँ का। अब देखो कैसा हो गया। कभी बरस जाएगा ये भगवान, अभी ना बरसी, अभी तो पेंट हुआ है यार। पता नहीं कहाँ चले गए यार ये लोग, लंच पे गए हैं क्या? एक्चुअली इन लोग को एक स्कीम बतानी है, वो आई हुई है अभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसमें बहुत बेनिफिट है, अच्छी स्कीम है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, गूगल करना, काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है, हर कोई इसे कर सकता है, बस आप पीएफ आपका नहीं कटना चाहिए, तो आप भी कर सकते हो। उसकी एज लिमिट है 18 से 40 साल, अगर आप 18 से 40 साल तक की उम्र के हैं तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर में जाके आप इसको एनरोल करा सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि 60 साल के बाद 3,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है, पेंशन मिलेगी और आगे बढ़ती भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक अमाउंट ही आपको मिलेगा, क्योंकि 3,000 तो अभी जब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो आने वाले टाइम पे तो और भी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग रेंज है, स्टार्टिंग मतलब एक अमाउंट है 3,000, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें कम से कम 55 रुपये है मेरे ख्याल से, 18 साल के अगर आप हैं तो आपको 55 रुपये पेड करना, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये है, तो सही है, हर कोई कर सकता है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप करिए, और जितने भी आप लोगों की नॉलेज में हों लोग उन्हें बताइए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र में जाके, सीएससी सेंटर में जाके, हर एक लोकेलिटी में होते हैं, तो वहाँ जाके आप ना पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और बस अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो ना आप इसमें कुछ नहीं है, आपको बस दो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, एक आधार कार्ड है और एक बैंक की पासबुक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर जाइए आप, आपका काम हो जाएगा। और बस ये है कि पहली स्कीम, पहली पहली जो उसकी वो है, क्या कहते हैं इसे, पहला जो इंस्टॉलमेंट आपका पैसा जो कटेगा, सॉरी आपका जो पहला पैसा कटेगा ना, वो आपको पहले कैश में देना पड़ेगा, जिस भी सीएससी सेंटर में आप जाएंगे वहाँ पे पहली जो पेमेंट है आपको कैश में करनी है, ठीक है, बाकी जो होगी वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगी, पर मंथ कटेगी। और अच्छी लगी मुझे स्कीम, बाकी आप लोगों के नॉलेज में जितने लोग भी हैं प्लीज़ आप उन्हें बताएं और यूज़ करें, इसे अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ कि अगर आप अटल पेंशन योजना भी आप आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप सिर्फ उसका ले सकते हैं या इसका ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अच्छी चीज़ है, वो लोग आएंगे तो मैं बताऊंगी उन्हें। एक्चुअली मैं इसलिए सब बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरा खुद का सीएससी सेंटर है, निवेदिता रश्मि करके है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई जानकारी हुई है तो मैं आपको बताऊँ और आपको उस चीज़ का लाभ मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है। ऐसे कई योजना आती रहेंगी और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। मौसम चेंज हो जाता है यहाँ पे, कब पता नहीं चलता। तो क्या कह रही थी मैं आपसे,
भाई स्कीम के बारे में ना, तो आप चाहें तो करवा सकते हैं, किसी भी जनसेवा केंद्र में जाके इनरोलमेंट करा सकते हैं। अच्छी चीज़ है, एक बार ट्राई कीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको इसमें नहीं दे सकती, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो और यूट्यूब में देख सकते हैं आप, काफ़ी चीज़ें आ रखी हैं। और बाकी अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही हैं, इनकेस आप लोगों को लगता है कि आपको पूछना चाहिए या आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हर कोई जागरूक हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप करें या नहीं हैं तो भी करें, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप आपको पता चल गई इस चीज़ के बारे में तो आपकी जानकारी में जितने लोग हैं, जितने लोग काम करते हैं लेबर्स में हैं या जिसमें हैं, जिस फील्ड में भी हैं, उन लोगों को बताएं एटलीस्ट कि ये योजना है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लगता है कि पहले लगता है कि नहीं बेकार है बेकार, उसके बाद काफ़ी काम आ जाती हैं आने वाले टाइम पर। और पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जिसे मतलब हर किसी को चाहिए होता है और हर वक्त चाहिए होता है, तो अच्छी बात है। अभी थोड़ा थोड़ा अकाउंट से कटेगा तो नहीं पता चलेगा। अब वो है ना कि अब ये नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा कट रहा है तो आपको भी दिक्कत हो रही है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है। मिनिमम 55 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, ये तो नॉर्मली आप डेली रूटीन में भी खर्च कर देते हैं। तो अगर कट रहा है और वो आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर हो रहा है तो इसमें आपका ही फ़ायदा है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, सुनिए, और ज़्यादा जानकारी है तो आप प्लीज़ मुझे पूछिए। क्योंकि मेरे अभी दिमाग में जितना आ रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि मैं बता सकती हूँ या बता रही हूँ, शायद उतना ही सफिशिएंट है, बट आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत क्वेरीज आ रही होंगी पूछने के लिए कि क्या है, क्यों है, और क्या क्या मतलब क्या क्या बेनिफिट हैं, लॉसेज हैं वगैरह वगैरह। आपसे भी बोलूँगी कि अगर आप लोगों को कोई इसी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन है या आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना तो प्लीज़ मुझसे शेयर किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो ममता जी ने मुझसे शेयर किया कि आपने अपने आप को तो दिखाया ही नहीं, शादी हो गई पूरी हमने तो देखा ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ मेरे मुझे देखना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और प्लीज़ पूछा कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा लगता है मुझे, आप इस तरीके से मुझसे बात करते हैं। और अभी हालांकि शादी के बाद से काफ़ी गैप हो गया, नहीं बात हो पा रही थी, नहीं कोई वीडियो बना पा रही थी मैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। बट एक्चुअली थोड़ा सा बीमार हो गई थी, वेदर चेंज हुआ था थोड़ा सा, तो नहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी करने की, बट जैसे ही ठीक हुई हूँ। और ये योजना काफ़ी एक्चुअली बहुत टाइम हो गया इसको, 2-3 हफ्ते हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। और एक वीडियो मैंने बीच में डाला भी था बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा पर्सनल वीडियो था तो इसलिए मैं उसको पब्लिक नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अच्छा है, शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, अगर हो आपके पास हो तो आप मुझसे शेयर करो, मेरे पास होगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी सी ऐसी में कुछ भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं आप तो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि काम की से रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसा, आप मेरे से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। मेरा कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है थी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, होली बनाएंगे साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।